कोई मुझे सड़क पार करा दे प्लीज। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कुछ खतरा है। इमली वापस आ जाओ। रोबो बॉय सूट ऑन। साउंड डायरेक्शन डिटेक्शन ऑन। अब मुझे इस नीडल के डायरेक्शन में ही जाना है। इमली वहीं होगी। अब क्या करोगे वीर? इतने सारे रोबोट तुम्हारा वेलकम करने को तैयार है। इमली बुला रही है वीर, जाओगे नहीं उसे बचाने के लिए? एंटी लेजर कवर ऑन। एंटी लेजर कवर ऑन। चार्ज ऑन। पुल पावर फ्रॉम रोबोट्स बैटरी। पुलिंग पावर फ्रॉम रोबोट्स बैटरीज। बैटरी फुल। थैंक यू। चल भाई टिम्बकटू, भाग ले यहाँ से तू। वेलकम इमली। मैंने कार थीफ को पकड़ने के लिए ये स्पेशल कार बनाई है। आप लोग भरोसा रखिए। सॉरी, इस समय कुछ जरूरी काम है। रोबो बॉय, मैं कोई मामूली चोर नहीं जिसे तुम पकड़ सको। मैं हूँ कार थीफ जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। बाय बाय। बाय बाय रोबो बॉय। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। अगली बार नहीं बचोगे। सचगंज के निवासियों, मैं उस कार थीफ को जल्दी ही पकड़ लूंगा। दो दो कार कैसे? एक मिनट दोस्तों, लगता है कार थीफ मेरी ही कार चोरी कर रहा है। रोबो बॉय, मैं मामूली चोर नहीं, कार थीफ हूँ। फिर मिलेंगे। बाय बाय। समय है तुम्हारे पास। रोबो बॉय, खेल खत्म, पैसा हजम। एक्स्ट्रा पावर ऑन। एक्स्ट्रा पावर ऑन।
छोड़ दो। टिम्बकटू, ये है लाइटनिंग रोबोट। ये आसमान में जाके सब बादलों पे आइस पाउडर डाल के जमा देगा और फुर्सतगंज में बरसात नहीं होगी। वीर, मैंने चेक किया है, ये बादल किसी ने साइंटिफिक फॉर्मूला को इस्तेमाल करके जमा दिए हैं। लेकिन बादलों को इस तरह कौन जमा सकता है और क्यों जमाएगा? ये तो पता नहीं, शायद कोई बरसात रोक के अकाल पैदा करना चाहता होगा। दादाजी, आप मुझे वो पाउडर सिलेंडर दीजिए, इसे मैं जाकर बादलों पे स्प्रे कर देता हूँ। सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ये कहाँ गायब हो गया? ये सिलेंडर धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना पूरा फुर्सतगंज बर्बाद हो जाएगा। ये तो रोबो बॉय है, दूसरा कौन है? मास्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा कि लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे। वीर, यहाँ साइकिल चलाना मना है। सुनो, सुनो वीर, सुनो। प्रिंसिपल सर ने कॉरिडोर में साइकिल चलाने की परमिशन दे दी है। मैंने परमिशन नहीं दी है। ये आज सब स्टूडेंट्स कॉरिडोर में साइकिल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि तुमने सबको कहा कि मैंने परमिशन दे दी है। सर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे खिलाफ कोई तो साजिश कर रहा है। ये क्या कर रहे हो? भागो भागो खबरदार, एक भी चॉकलेट को हाथ लगाया तो। ये वीर को क्या हो गया? चलो दादाजी के पास। आप लोग जो कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा। मैं वीर से अकेले में बात करता हूँ। दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे अंदर इनबिल्ट कैमरा की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि दिन भर तुमने आज क्या किया। कोई जरूर तुम्हारा हम शक्ल है जो ये सब करके तुम्हें फंसा रहा है। दादाजी, मैं उसका पता लगाते ही रहूंगा। मेरा हमशक्ल यहाँ आएगा तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। वो देखो, एकदम मेरे जैसा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? रुको, जल्दी छूट गए, जल्दी छूट गए। इस बार तुमको स्कूल से ही निकलवा दूंगा। हाँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय वीर। अंकल, प्रिंसिपल सर को कहना मेरा हम शक्ल ये सब कर रहा था। मैं अभी जाके उसको पकड़ता हूँ। वीर,
ड्राइविंग सूट ऑन। मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हारा मास्क लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया। टिम्बकटू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ओ, तो तुमको मैड मैक्स ने भेजा है। ये रहा वीर का हमशक्ल, जो वीर को बदनाम कर रहा था। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने। अब वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यहाँ कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। ये लैम्प भी हजारों साल पुराना लग रहा है। इस कबाड़ी लैम्प की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। निकल गई सारी हेगड़ी। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटो को कहीं और जाके पटक। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये मेरा फुर्सत गंज है, तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है। एक घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ मैं किधर जाऊँ। इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक। उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है। उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। एक स्टेज पार कर लिया। एक और क्लू सुनो। ताला मैं नहीं जो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। वॉच टावर। आ गए वीर, सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। एक और आखिरी क्लू सुनो। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना वो कुछ भी नहीं। स्कूल। आओ वीर, आओ। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं जिंटू को बचाने के लिए। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। अब सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना है जिंटू कौन है। आखिर में हम मिल गए। वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग एक सच्चे दोस्त हो। सॉरी अंकल, फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा।
पूरे फुर्सतगंज को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। दादाजी, कल से मेरी आँख बंद नहीं हुई, मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालुका द्वीप में होती थी। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। ये क्या हो रहा है? रुको, हम यहाँ दोस्ती करने आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। ओके, जैसे ही वो मेरा पीछा करने लगेंगे तो मैं फूल की पत्तियाँ तोड़ के उड़ते हुए वापस उसी पेड़ पे रुक जाना, मैं वहीं मिलूंगा। फूल चुराने की हिम्मत की है, आज तुम्हें हमारे तीरों का सामना करना होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम वीर है। मेरे शहर फुर्सतगंज में सब लोग बीमार हैं और मैं सिर्फ ये फूल की पत्तियाँ लेने आया हूँ। हम तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। खत्म करना है तो खुद अपने दम पे खत्म करो। ये हुला हुला तीरू बूरा कह के दूसरों से तीर और भाले क्यों चलवा रहे हो? तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो? मंजूर है वीर, इससे जीतना असंभव है। दादाजी कहते हैं जो असंभव को संभव कर दे उसे ही वीर कहते हैं। अगर मैं जीत गया तो आज के बाद किसी गांव वाले को आप ये फूल लेने से मना नहीं करोगे, किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखोगे। मंजूर है, युद्ध शुरू हो। अदुजा, अदुजा, अदुजा। रोबोटिक चिप टूटने का खतरा, डिसएंगेज। वीर, तुम बहुत बहादुर हो, तुम फूल की जितनी पत्तियां चाहो ले जा सकते हो। आज के बाद इस फूल पे हर गांव वाले का हक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि फुर्सतगंज में रोज हर तबेले से भैंसें चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसें बची हैं। लोगों ने रोबो बॉय से अपील की है कि इस चोर को पकड़ें। दादाजी, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? जिंटू है ना, दूध से भरा हुआ पूरी डेयरी, इसे कहो जादू से भैंस बन के खड़े हो जाए। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये जिंटू कहाँ गया? लगता है उसे चोर ले गया। अब क्या करें, कहीं उसकी याददाश्त तो गुम नहीं हो गई? मुझे जिंटू पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी टेल पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। चलो उसे ट्रैक करते हैं। मुझे पहले से ही शक था कि चोर यही होगा। वाओ, आ जाओ भाई रोबो बॉय। सुना है कि तुम फुर्सतगंज के रखवाला हो भाई। सोच ही रहा था कि तुमसे मुलाकात कब होगी। रोबो बॉय, अरे हमारा नाम क्रोधी पहलवान है। वैसे तो हमको क्रोध आता नहीं है, लेकिन जब हमको क्रोध आ जाता है ना तो हम जमीन और आसमान हिला डालते हैं।
गुस्सा मुझे भी नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो मैं भी जमीन आसमान हिला देता हूँ। मेरा मालिक खतरे में है। वीर, चिंटू आ रहा है, उसकी सर पे मारो, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। वीर, उसके दोनों सींगों के बीच मारो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी का जादू है। थैंक यू भगवान। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये कौन सी जगह है? नहीं नहीं चिंटू, ये समय याददाश्त खोने का नहीं है। ए गधे, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। वीर, वीर, कहाँ हो तुम? इसके सर पे एक थप मार दूं, तो इसे सब याद आ जाएगा। चिंटू मेरे भाई, मेरे दोस्त, याद करो मैं चुलबुल हूँ। इमली को टिम्बकटू पकड़ के ले आया है और हम उसे बचाने आए हैं। अरे कुछ तो याद करो मेरे भाई। अब जैसे ही चिंटू नीचे से निकलेगा, मैं उसके सिर पे गिर जाऊंगा और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सॉरी चिंटू, प्लीज डोंट माइंड। सॉरी 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 चिंटू, वेरी सॉरी, हटो हटो प्लीज। आउच। फिर मेरे पीछे आए तो देखना क्या करता हूँ। चिंटू मेरे दोस्त, एक बार अपने सिर पे एक टपली मार लेने दो, तुम्हें सब याद आ जाएगा और हम यहाँ से इमली और वीर को ढूंढ के बाहर निकल जाएंगे। चुलबुल, हम मेन गेट पे ही तो हैं। वीर, तुम आ गए। ओ, शुक्र है ऊपर वाले का। ये चिंटू तो किसी को पहचान ही नहीं रहा है, ना ही अपने सिर पे टपली मारने दे रहा है। चलो पहले बाहर तो चलो। तुम लोग कौन हो? ये गधा मेरे पीछे कब से पड़ा है? ये तुम्हारा दोस्त है तो इसे ले जाओ, वरना मैं इसे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इमली को तो टिम्बकटू ले गया था। अब मैं तुम्हें दुलाटी मार के बताता हूँ कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वीर वीर, इसे क्या हुआ? ये चुलबुल नाराज क्यों है? अभी बताता। चड्डा अंकल, चड्डा अंकल। मिस्टर चड्डा, आप ये क्या कर रहे हैं? ओ दादाजी, आपको पता नहीं क्या? कोई कार थीफ आया है और एक हफ्ते में 20 कार चोरी कर चुका है। पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही, इसलिए मैं अपनी कार को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ कार थीफ इसे कैसे चोरी करेगा। दादाजी दादाजी, मैं अंदर था और कार थीफ बाहर से कार चोरी करके ले गया। ये रोबो बॉय का तो कुछ पता ही नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। मिस्टर चड्ढा, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। मैं अपनी कार के बिना ऑफिस कैसे जाऊंगा? वीर, जिंटू को बुलाओ, वो मिस्टर चड्ढा की कार वापस ला देगा।
जिंटू मिस्टर चड्डा की कार चोरी हो गई है, वो उन्हें वापस ला दो, वो बहुत दुखी है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, मिस्टर चड्डा की कार उनको मिल गई है। ये कार हॉल में कैसे आ गई? अब इसे बाहर कैसे निकालूं? बंटी की माँ, मिस्टर चड्डा की कार कहाँ है? बंटी की मम्मी, जल्दी आओ, जल्दी। जिंटू, तुमने कार को हॉल में रख दिया, तुम ठीक तो हो? जल्दी से कार को वहाँ से गायब करो, जल्दी। तुमने कहा था मिस्टर चड्डा को कार वापस दो, वो हॉल में थे इसीलिए वही कार वापस कर दी। तुम मेरे काम से कभी खुश नहीं होते, ये लो जादू खत्म और मैं चला। ये हॉल क्यों तोड़ रहे हो जी, क्या कर रहे हो? ओए पता नहीं कार हॉल में कैसे कैसे आ गई। कार तो गई, ये कहाँ गई? कार हॉल में थी, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें तो हर जगह कार ही दिख रही है, जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ, पूरी दीवार तोड़ दी। चुलबुल, ये हंसने की बात नहीं है, इस चोर को पकड़ना ही होगा। दादाजी, दादाजी। दादाजी के घर में स्पेसशिप, ये कहाँ जा रहे? मैं चुपचाप चलकर सब देखता हूँ। बादल तो एकदम बर्फ की तरह जमे हुए हैं। अच्छा तुम दोनों पिकनिक करो, मैं बादलों के दूसरे एंड से हर तरफ ये केमिकल बिखराता हुआ आऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। तो वीर ही है रोबो बॉय, मुझे तो पहले ही से शक था। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है यहाँ कोई है, कोई हमें बहुत नजदीक से देख रहा है। बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरा गाजर खाया, तुम्हारी ये मजाल, मैं तुम्हें मामे! बचाओ! मामे! हेल्प मी! वीर के दोस्त मुझे मार रहे हैं, मेरी मदद करो। दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है, मेरे लाइटनिंग रोबोट, इसको अपनी शरण में ले लो। अब मैं चुलबुल को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे दुलत्ती मारी, हर एक लात का बदला लूंगा। बंटी मेरे दोस्त, मेरे भाई, सॉरी सॉरी, तुम चाहो तो मेरी सारी गाजर खा लो। ओ, तुम कितने अच्छे हो। गाजर मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? तुम तो बिजली खाओ, बिजली। मेरे बदन से बिजली निकलना बंद क्यों हो गया? मस्क्यूटा, आज बॉस को बताने का समय आ गया है कि तुम दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकते हो। थैंक यू टिम्बकटू, ये लो तुम्हारे बॉस मैड मैक्स का मास्क। ये कैसे हो गया? मैं इतना मोटा कैसे हो गया? ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। You are fat, boss. Very, very fat. She
इज राइट बॉस, शी इज राइट। ये टिम्बकटू की आवाज कहाँ से आई? वो देखेगा तो मुझ पे हंसेगा। लेकिन बॉस, मैं तो मिरर में देख ही नहीं रही हूँ। तुम इतनी स्लिम हो कि मिरर में दिख ही नहीं रही। थैंक यू बॉस, थैंक यू। ये तो मैंने बोला नहीं, फिर मिरर कैसे बोला? Something is wrong, boss. She is right, boss. She is right. ये तो Timbuktu है, लेकिन चेहरा मेरा है। कैसे? कैसे? ये क्या मजाक है Timbuktu? ये मेरा मास्क कहाँ से आया? बॉस, ये है मिस्टर मस्क्यूटा। ये दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकता है। देखो बॉस, इसने एक और मास्क बना दिया। कैटमोना, अटैक! कब से वीर को इस तरह चिल्लाते हुए देखना चाहता था। आज दिल को ठंडक मिल रही है। मिस्टर मास्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा कि लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे और फिर वीर मेरा होगा। कैसा है मेरा प्लान? You are genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। इमली आज चुलबुल का बर्थडे है और उसे याद ही नहीं है। चलो उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। यस वीर, चुलबुल भी सरप्राइज पार्टी देख के खुश हो जाएगा। ये दोनों बात करते करते अचानक चुप क्यों हो गए और छत पे क्यों चले गए? मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि ये मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। ये लगता है उसे शक हो गया है कि हम कुछ छुपा रहे हैं। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पहले तो शक था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया है, वो मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। जिंटू, वीर इमली मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं सिर्फ इमली और वीर की ही बात सुन सकूं और उनको पता भी ना चले। ये लो, ये है इनविजिबल शॉल। इसको ओढ़ लोगे तो वीर तुमको देख नहीं पाएगा। तुम उनके पास ही बैठ के पूरी बात सुन सकते हो। ओह, थैंक यू जिंटू। मैंने केक और स्वीट्स का ऑर्डर कर दिया है। चुलबुल के लिए खास तौर से कैरेट फ्लेवर का केक बनवाया है। वाव, कैरेट फ्लेवर, चुलबुल तो बहुत खुश हो जाएगा। अब बात करो, कितना करना है करो, सब सुन लूंगा मैं। ये चुलबुल कहाँ से चिल्ला रहा है? वीर, बचाओ, बचाओ, हेल्प! चुलबुल मैं आ रहा हूँ। स्लाइडिंग व्हील ऑन। स्लाइडिंग व्हील ऑन। चुलबुल तुम यहाँ कैसे अटक गए? अरे पहले छुड़ा तो लो, फिर बात करना। तुम ठीक तो हो ना? तुम ट्रक के पीछे क्यों लटके हुए थे? मैं लटका हुआ नहीं, अटका हुआ था। मेरी बात छोड़ो, तुम लोग अपनी बात बताओ, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? अरे तुमसे क्या छुपाना है चुलबुल, हम तो होमवर्क की बातें कर रहे हैं। फिर भाग गए ये लोग। मैं भी पता करके ही रहूंगा कि ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। जिंटू, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। कुछ ऐसा करो कि मैं वीर और इमली की बात सुन सकूं और उन्हें पता भी ना चले। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। ये लो, ये फ्लाइंग कारपेट है। जहाँ वीर इमली बात कर रहे हो वहाँ तुम उनके ऊपर उड़ते हुए उनकी सारी बातें सुन लेना। ओके, थैंक्स। ये कारपेट स्पेशल है, जो इस पे बैठता है ये उसको प्रोटेक्ट भी करती है। तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा,
ये वीर का घर है। हाँ, क्या लाए हो? मैं अल्फा बेकरी से आया हूँ, ये उसका ऑर्डर है। लाओ दे दो, मैं वीर को दे दूंगा। मैं भी तो देखूं इसमें क्या है। मैं वीर को बुला के लाता हूँ। तो ये मेरे बिना अकेले अकेले पार्टी करना चाह रहे हैं। कल तक मैं इनका अपना था, आज गैर हो गया। अब ये सब मैं खाऊंगा, इन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तुम लोग ये सब अकेले खाना चाहते थे, लेकिन अब ये सब मैं अकेले खाऊंगा। अब तुम्हें सब बताने का टाइम आ गया है। कैसा सच? आंख बंद करो, मैं बताता हूँ। अब आंखें खोलो चुलबुल। ये सब क्या है वीर? आज मेरा जन्मदिन है, मुझे तो याद भी नहीं था, और तुम लोग मेरे लिए सरप्राइज पार्टी करना चाह रहे थे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jubal। ये लो खाओ। वीर, वीर, बचाओ, वीर! वीर, मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। देखना, मैं सबसे ज्यादा दूध पीकर फर्स्ट आऊंगा। नहीं चिंटू, तुम एक जिन हो, तुम जादू से जीत जाओगे। कोई नॉर्मल बच्चा तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मुझे किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देते। भाइयों बहनों, हमारा नाम है क्रोधी पहलवान। हमारी डेयरी में ये कंपटीशन इसलिए रखा गया है कि बच्चों को दूध पिए की आदत पड़ जाए। जौन बच्चा सबसे ज्यादा दूध पिएगा वह फर्स्ट आएगा। चलो भाई चलो, मुकाबला शुरू करता हूँ। बस बस बिटुआ, हमार सब दूध खत्म हो गया। हम तुमका फर्स्ट प्राइज। एक मिनट सर, ये कंपटीशन फुर्सतगंज के बच्चों के लिए है। फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़का फुर्सतगंज का नहीं है। मेरा नाम पिंटू है। मैं फर्स्ट आया हूँ। देखो भाई, कहे कि पिंटू जो उन्हें फुर्सतगंज का नहीं है, इसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे। ये ट्रॉफी है ये बचवा पिंटू के लिए, और ये कंपटीशन में फर्स्ट आया है बंटी। ये, मैं जीत गया। वाह वाह,
थोड़ी चाट खा लूं पहले। इस भैंस को चाट खाने का शौक है। देखो कैसे खा रही है। एकदम चटोरी लागत है। एक नाम जो ना चटोरी रख दे। सर पे दो डुलाटी मारूंगा और उसकी याद वापस आ जाएगी। तुम दोनों यही रुको। जिंटू, जिंटू, देखो कौन आया है। बहनों देखो, ये गधा यहाँ कैसे घुस आया। ये और उसका मालिक हमें यहाँ से ले जाना चाहता है। चलो उनको सबक सिखाते हैं। ये मुझे घेर क्यों रही हैं? इनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। हे जिंटू, अपने ही दोस्त को पिटवा रहे हो। जिंटू के सिर पे तो मैं दुलाटी नहीं मार पाया, लेकिन मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे तमाम दुलाटियां पड़ गई मुझे। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अब रोबो बॉय को ही जाना होगा। चिंटू आ रहा है, उसकी सर पे मारो, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अब ये का जादू है।